हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अरिजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज वीडियो में जानने वाले हैं स्प्लिट एसी के ट्रबल शूट के बारे में। स्प्लिट एसी है, इसका रनिंग प्रेशर है 70 PSI है, एम्पियर जो रहता है 9.3 एम्पियर है, नॉर्मल है, लेकिन हमारा कूलिंग नहीं होता है। और सक्शन प्रेशर जो सक्शन लाइन रहता है वो ठंडा नहीं होता है, और कंप्रेसर भी थोड़ा टाइम चलता है कट ऑफ हो जाता है। तो क्या क्या रीजन हो सकते रहेंगे ये वीडियो में इसी के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर जानने सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें, जिससे और इसी तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके, आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें। स्प्लिट एसी हो गया या नॉर्मल कोई सा भी एसी है, इसमें गैस के हिसाब से टेम्परेचर जो है देखा जाता है प्रेशर। अगर R22 का हम बात करें सिस्टम में, R22 गैस है, इसका रनिंग प्रेशर जो है 70 है, तो इस हिसाब से नॉर्मल स्प्लिट एसी है, इस हिसाब से ज़्यादा गैस है। तो इसके लिए हमें कंडेंसर कॉइल जो रहता है, कंडेंसर हमें चेक कर लेना चाहिए। अगर कंडेंसर डस्टी रहेगा, गंदा रहेगा, या सर्विस नहीं हुआ रहेगा, ब्लॉकेज रहेगा, इंडोर आउटडोर रहेगा, तभी भी इस तरह से प्रेशर ज़्यादा आएगा और कूलिंग में प्रॉब्लम रहेगा, कूलिंग प्रॉपर नहीं होगा। या फिर कंडेंसर जो रहता है, कंडेंसर फैन मोटर का स्पीड कम रहेगा, तभी भी इस तरह से प्रेशर जो ज़्यादा हमारा रहेगा। तो हमें स्पीड होगा, स्पीड चेक कर लेना चाहिए या कंडेंसर कॉइल चेक करना चाहिए। अगर ये सब सर्विस करने वाला है, गंदा है, तो हम इसे सर्विस करेंगे, अच्छी तरह से वाटर से वॉश करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर अगर हमारा सब कुछ सही है, आउटडोर वगैरह सही है, कंडेंसर फैन मोटर सही है, तो हमें इनडोर में हमें चेक कर लेना चाहिए। अगर इनडोर में हीट लोड ज़्यादा रहेगा, यानी कि रूम का कैपेसिटी ज़्यादा बड़ा है, रूम में गर्मी ज़्यादा है, हीट लोड ज़्यादा है, तो कंडीशन में भी हमारा रिटर्न जो है जल्दी ठंडा नहीं होगा, और प्रेशर भी, गैस का प्रेशर जो रहता है वो भी नॉर्मल ज़्यादा दिखाएगा, तो भी फॉल्ट हो सकता है। अगर सब कुछ हमारा सिस्टम नॉर्मल दिखने में सही है, तो रूम का कैपेसिटी साइज देख लेना चाहिए। रूम में जो है बाहर से अगर एयर आएगा, हाइट हवा आएगा, तो हीट रहेगा, अंदर में हीट लोड ज़्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम होता है। तो मैं अंदर ये सब चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए, बेसिकली चीज़ें हैं ये सब। बस ये सब सही है, सब कुछ सही है, इंडोर का ब्लोअर वगैरह सही है, कूलिंग कॉइल, फैन वगैरह, मोटर सब कुछ सही है, कंडेंसर सही है, फिर भी हमारा जो है रिटर्न नहीं आ रहा है, सक्शन जो सक्शन रहता है वो चिल नहीं हो रहा है, तो इस तरह से कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा तो कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि कंप्रेसर को रिटर्न नहीं मिलेगा, कंप्रेसर गर्म होगा, कंप्रेसर गर्म होकर के ट्रिप हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ चेक करना होगा। तो हमें इसको कंडेंसर कॉइल हो गया, इंडोर हो गया, या रूम टेम्परेचर हो गया, ये सब हमें चेक कर लिए, ये सब सही है। तो उसके बाद हमारा आता है कंडेंसर के पास में लाइन में लगा रहता है एक फिल्टर कैपेलरी ट्यूब रहता है, कैपेलरी साथ में फिल्टर्स लगे रहते हैं। अगर वो फिल्टर ब्लॉकेज रहेगा, गंदा रहेगा, डस्टी रहेगा, ब्लॉक रहेगा, तभी भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है। तो हमें नॉर्मल बेसिकली चीज़ें ये भी एक चीज़ चेक करना चाहिए। अगर कंडेंसर कैपेलरी ट्यूब लगा हुआ है या फिल्टर उसमें लगा हुआ है, तो ये सब ब्लॉकेज रहेगा, तो हम इसको अच्छी तरह से खोल करके वॉश करना है या फिर चेंज करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसे करने से भी हो सकता है। अगर ये सब भी सही है, नॉर्मल सब कुछ सही क्या है, इसमें आपने हाल ही में जो इसका गैस चार्ज किया हुआ है, तो इसका मतलब गैस का जो है, गैस में एयर यानी कि बाहर का जो हवा रहता है, बाहरी हवा उसमें आया है, वैक्यूम में जो है गैस नहीं है, उसमें लिक्विड नहीं है, उसमें जो भी हवा है सिस्टम में, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा दिखा रहा है और कूलिंग नहीं हो रहा है। तो हमें इसके लिए फिर क्या करना होगा, सिस्टम का जो भी गैस उसके अंदर रहता है वो पर्च कर देना है, यानी कि हमें गैस जो रहता है वो हमें उड़ा देना है, निकाल देना है। निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से प्रॉपर उसे वैक्यूम करना है, वैक्यूम करने के बाद हमें गैस चार्ज करना है। गैस कैसे चार्ज करना है, गैस हमें जो है लिक्विड में चार्ज करना है, यानी कि हमारा सिस्टम वैक्यूम में है, वैक्यूम में हमें एसी स्टार्ट नहीं करना है, इस हमें उस स्टैंडिंग में रखना है। नॉर्मल जो है गैस रहता है, गैस को हमें उल्टा करके सिर्फ लिक्विड जो है 40% जो है 40% तक लमसम हमें लिक्विड डालना है। लिक्विड डालेंगे उसके बाद जो स्टैंडिंग प्रेशर जो आता है, उसका एग्जांपल R22 गैस है, तो उसका स्टैंडिंग प्रेशर 150 है, तो 150 जो है उसका स्टैंडिंग प्रेशर आ जाना चाहिए। अगर स्टैंडिंग प्रेशर हमारा 150 आ गया है, तो अब हम कंप्रेसर को सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम रिटर्न वगैरह सब देखेंगे। नॉर्मल हमें 60 से लेकर 65 PSI तक हमें प्रेशर रखना है।
उसके बाद हम चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारा सब कुछ सही है, कंप्रेसर का पंपिंग वगैरह सही है, तो इस तरह से हम चेक करेंगे, इस तरह ये प्रोसेस से फॉलो करेंगे, हमें इसमें रिटर्न आएगा, कूलिंग भी प्रॉपर होगा और सक्शन का जो लाइन रहता है वो भी रिटर्न आएगा, ठंडा होगा, चिल होगा। और जब कंप्रेसर को ठंडा मिलेगा, रिटर्न आएगा, गैस आएगा, तो कंप्रेसर गर्म नहीं होगा, लॉन्ग टाइम कंटिन्यू चलेगा, कूलिंग मेंटेन हो जाएगा। यानी कि ये भी सिस्टम रहेगा, इस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए। अगर इस तरह से फॉलो किए हैं, ये भी सब सही है, तो उसके बाद हमें कंप्रेसर का पंपिंग हमें चेक कर लेना चाहिए। कंप्रेसर अगर पंपिंग लेस रहेगा तभी भी प्रॉब्लम होगा, कूलिंग नहीं होगा, इसका प्रेशर जो ज़्यादा, यानी कि रनिंग सक्शन प्रेशर जो रहता है वो ज़्यादा होगा, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर से मिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से सक्शन प्रेशर जो है ज़्यादा हो रहा है। तो हमें कंप्रेसर का पंपिंग चेक करना चाहिए। कंप्रेसर का पंपिंग चेक करने के लिए हमारा स्पेशल दूसरा वीडियो है, किस तरह से चेक करते हैं। नॉर्मल जो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर रहता है, कोई सा भी स्प्लिट एसी है या कोई सा भी नॉर्मल छोटा सिस्टम है, एसी है, तो उसका जो है प्रेशर जो रहता है, डिस्चार्ज प्रेशर रहता है 350 के ऊपर होना चाहिए। यानी 350 के ऊपर जितना रहेगा, यानी 400 के ऊपर रहेगा, 400-350 के ऊपर रहेगा तो अच्छा कूलिंग होगा, प्रॉपर वर्क करेगा। अगर 350 के नीचे है तो कंप्रेसर पंपिंग लेस रहेगा, वो कंडीशन में हमारा गैस तो नॉर्मल चलेगा लेकिन प्रॉपर कूलिंग नहीं आएगा, हमें ग्रिल टेम्परेचर जो है ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठंडा प्रॉपर नहीं मिलेगा अगर 350 के नीचे रहेगा। तो हमें इस कंडीशन में हमें कंप्रेसर को रिपेयर करना होगा या चेंज करना होगा। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको चेक करेंगे हम, कंप्रेसर को कट करके डिस्चार्ज प्रेशर चेक करना है। डिस्चार्ज प्रेशर वगैरह फेल रहेगा या कोई और मैकेनिकल सिस्टम ख़राब हो सकता रहेगा, उस कंप्रेसर के मैकेनिकल सिस्टम जो रहते हैं वो ख़राब रहेंगे, वो कंडीशन में भी हमारा इस तरह से सक्शन प्रेशर ज़्यादा दिखाता है और डिस्चार्ज भी, उसके डिस्चार्ज का प्रेशर और सक्शन प्रेशर मिक्स हो जाता है, यानी कि कंप्रेसर का मैकेनिकल सिस्टम ख़राब रहेगा। तो चीज़ें हमें, ये सब चीज़ें बेसिकली चीज़ें हैं। अगर हमारा सक्शन प्रेशर ठंडा नहीं हो रहा है, रूम में कूलिंग नहीं हो रहा है और सक्शन प्रेशर ज़्यादा दिखाता है, तो सब बेसिकली चीज़ें हमें चेक करना होगा। इस तरह से आप कोई सा भी प्रॉब्लम रहता है, फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ हमने कुछ बेसिक चीज़ बताया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो में जरूर कुछ जाने सीखने को मिला रहेगा। अगर आपको जाने सीखने को मिला है तो वीडियो का फीडबैक जरूर दें, इसका कमेंट करें, आपको क्या चीज सीखने को मिला है, क्या चीज अच्छा लगा है। आप लोग देख सकते रहेंगे हमारे इस एसआर सर्विस सेंटर पे बहुत सी से टेक्निकल वीडियो है, जो हमारा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मोटर्स, पंखा, हर चीज़ जो भी हमारा होम इक्विपमेंट, जो भी हमारे घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल्स मैकेनिकल्स आइटम्स रहते हैं, उस सबको रिपेयर करने के लिए हमारा इस चैनल पर बताया गया है, सिखाया गया है। अगर आप एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो भी आप ITI डिप्लोमा, इलेक्ट्रिशियन का ITI डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, तो चैनल आपके हेल्पफुल रहेगा। इस पर हम आप लोग को थ्योरिकली से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बहुत से हम बनाने वाले हैं, और भी हमारे बहुत से बना हुआ है आप लोग के हेल्प के लिए। आप लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है उसको ऑन कर दें, जिससे और इस तरह से हम वीडियो बनाएं आप लोग के हेल्प के लिए, आप लोग के पास हम भेज सके और आप लोग भी सीख सके, दे सके। आप लोग भी नए टेक्निशियन, नए लोग का हेल्प जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।